सुबह के 8 बज रहे हैं और आज पूरे दिन के लिए मैं अपनी आर्म पाइप को एक दूसरी बाइक से स्वैप करने जा रहा हूँ। हेलो राइडर्स, ये द ड्रू टेड शो और इस वीडियो में मैं अपनी आर्म पाइप को स्वैप करूंगा रॉयल एनफील्ड हंटर 350 से। सुबह का टाइम है तो सड़क पर ट्रैफिक काफी कम है। हीरो ग्लैमर की बात ही कुछ और है। अगर आप इस बाइक की एड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़कियों के बीच ग्लैमर चलाने वालों की कितनी डिमांड है। सड़क पर अगर कोई ग्लैमर चलाता हुआ लड़का दिख जाए तो लड़कियां उसे चेस करके अपना नंबर देती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सिंगल तो सिंगल कमिटेड लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड्स को छोड़कर ग्लैमर चलाने वालों को अप्रोच करती हैं। एक झटके में स्टेटस मेरा सिंगल हो गया, तुझसे मिली नजर तो मेरा दिल रेडी टू मिंगल हो गया। इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ आर्म फाइव बेचकर एक ग्लैमर खरीदी लूं। ब्रो You very chalak bro. Hey boy. तो अब मैं उस लोकेशन पर पहुंच गया हूं जहां चंदन मुझे अपनी हंटर 350 देने वाला है। Holy! Look at all this damage. आइसक्रीम और पैकेज फूड के रैपर्स, ये जगह पूरी गंदी हो चुकी है। पता नहीं लोग कचरा डस्टबिन में डालना कब सीखेंगे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो अब मुझे मिल चुकी है चंदन की रॉयल एनफील्ड हंटर 350, जिसे मैं आज पूरे दिन चलाने वाला हूँ। इसका सिंगल पॉट सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफी प्रीमियम लग रहा है। इसके बगल में एक छोटा ट्रिपर नेविगेशन भी लगाया जा सकता है। लगता है बाइक दूसरे या तीसरे गियर में है तो मैं इसे न्यूट्रल कर लेता हूँ। ये 4 लेन वाली NH31 है जहाँ अक्सर गाड़ियाँ काफी हाई स्पीड में चलती हैं। तो रोड क्रॉस करने से पहले थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। Now, here we go. Damn. मैं पहली बार हंटर 350 चला रहा हूँ। इससे पहले मैंने रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, क्लासिक 350, कॉन्टिनेंटल GT और मीटियोर 350 चलाई हैं। उनके कंपैरिजन में ये बाइक मुझे ज़्यादा हैंडी और कंफर्टेबल लग रही है। वैसे कंफर्ट की बात की जाए तो मीटियोर 350 इससे काफ़ी ऊपर है, पर उसकी कैटेगरी ही अलग है। बिना पीछे चेक किए शार्प लेफ्ट कट। अभी अगर स्कूटी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती या राइडर ने एक्सेलरेट किया होता तो ये पल्सर वाले भाई थोड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। बाइक राइडर की इन्हीं हरकतों की वजह से कई बार मेजर रोड एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। स्क्विड्स और छपरी राइडर्स का टॉपिक तो बहुत लंबा चल सकता है, पर हमें फोकस करना है हंटर 350 की राइड क्वालिटी पे। मैं नहीं बताऊंगा। ये बाइक दूसरी रॉयल फील्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ी हल्की है। ऑन एन एवरेज क्लासिक 350 और मीटियोर 350 192 किलोग्राम्स की होती हैं और हंटर का वजन है 181 किलोग्राम्स, यानी कि ये बाइक दूसरी रॉयल फील्ड से 10 किलोग्राम हल्की है। 800 mm सीट हाइट के साथ हंटर 350 को सिटी ट्रैफिक में चलाना काफी ईजी है। मेरी हाइट 5 feet 8 inches है और मैं कंफर्टेबली इस बाइक पर रिलैक्स होकर बैठ पा रहा हूँ। हंटर 350 का व्हील बेस भी सिटी राइड्स के लिए परफेक्ट है। ये बाइक काफ़ी ईजिली टर्न होती है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट है। ये शहर से बाहर की तरफ जाने का रास्ता है, पर आगे मैं एक पतली सी वन वे रोड लेकर गाँव के बीच से होता हुआ सिटी में एंटर करूँगा। वापस अपने घर जाने से पहले बीच में मैं अपने फेवरेट लोकेशन पर रुककर हंटर 350 का कंप्लीट वॉक अराउंड दूंगा। ये है वो रास्ता जहाँ से मैं गांव के बीच से होता हुआ वापस शहर में एंटर करूँगा। यहाँ का व्यू काफ़ी प्लीजिंग है।
चारों तरफ फैले खुले हरे भरे खेत मूव को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देते हैं। थोड़े अच्छे रास्तों के साथ साथ यहाँ कुछ पुरानी सड़कें भी हैं जिनमें काफ़ी सारे गड्ढे बन गए हैं। सुबह सुबह ऐसे खुले मैदान में बाइक चलाने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी औसम है। अभी बरसात का मौसम है तो इधर काफ़ी सारी झाड़ियाँ उग गई हैं और मेरे फेवरेट लोकेशन पर पहले से ही कुछ लोग बैठे हैं। तो वॉक राउंड के लिए पीछे वाली जगह ही बेस्ट रहेगी। तो मैंने इंजन ऑफ कर दिया है। रॉयल इनफील्ड का ये नया इंजन किल स्विच काफी यूनिक है। ओल्ड फैशन स्टाइल होते हुए भी काफी प्रीमियम और कैची लगता है। इसके साथ साथ बाइक में और भी कई नोटिसेबल पॉइंट्स हैं जिन्हें अब हम डिटेल में देखेंगे। तो बाइक का ओवरऑल लुक कुछ ऐसा है, रेट्रो विद अ मॉडर्न टच। व्हाइट कलर में ये बाइक काफी अपीलिंग लगती है। फ्रंट में राउंड हेडलैम्प के साथ स्लीक मडगार्ड और फोक गेटर्स प्रीमियम लगते हैं। व्हाइट कलर में इसका टैंक काफी कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा है। स्मॉल कर्व वाली सीट और ग्रैब रेस अच्छे दिखने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। मेरे अकॉर्डिंग इसका स्मॉल राउंड टेल लैम्प और उसमें लगे सेम साइज के राउंड इंडिकेटर्स लुक को थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। यजदी स्क्रैम्बलर की तरह अगर इसके इंडिकेटर्स थोड़े छोटे होते तो ज्यादा बेटर होता। स्मॉल साइज एग्जॉस्ट बाइक में मॉडर्न एलिमेंट ऐड कर रहा है जो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा। हंटर 350 का ओवरऑल लुक काफी फ्रेश है जो मुझे तो बहुत ही अपीलिंग लगता है। इसके टॉप मॉडल में अगर LED हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिलता तो और भी अच्छा होता, पर इसके बिना भी ये बाइक किसी भी एस्पेक्ट में डिसअपॉइंट नहीं करती है। 175,000 की एक्सशोरूम प्राइस पर हंटर 350 एक परफेक्ट स्ट्रीट बाइक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 181 किलोग्राम वेट के साथ ये सबसे हल्की रॉयल एनफील्ड बाइक है जिससे सिटी कंडीशंस में इसे चलाना काफी इजी हो जाता है, पर इसमें क्वालिटी और टफनेस से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। 181 किलोग्राम स्टिल काफी हैवी वेट है। मेरी यामाहा R5 सिर्फ 142 किलोग्राम की है और दूसरी स्ट्रीट बाइक्स भी अराउंड 150 केजीज की ही होती है। तो अब इस वॉक राउंड को फिनिश करके मैं जाऊंगा वापस अपने घर। इग्निशन स्विच ऑन करते ही आने वाली ये आवाज काफी हाईटेक फील देती है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, ये भी काफी अच्छा फीचर है। अब ज्यादातर बाइक्स में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर मिलने लगा है। मुझे जितना याद है सबसे पहले ये फीचर R5 V3 में आया था। इससे पहले पल्सर और ड्यूक में साइड स्टैंड इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता था। तो अब मैं पहुंच गया हूं अपने घर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone.